विटामिन बी द्वारा पेट के अपच संबंधित रोगों की चिकित्सा की जाती है। इसकी संरचना ज्ञात करने का श्रेय डोरोथी हॉजकिन को जाता है। कड़ी मेहनत करके उन्होंने इस यौगिक की संरचना का पता लगाया था। इस कार्य के लिए उन्हें सन 1946 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। डोरोथी हॉजकिन का जन्म मिस्र की राजधानी काहिरा में 12 मई 1910 को हुआ था। यह महिला वैज्ञानिक बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत प्रखर थी। उनके पिता उच्च शिक्षा अधिकारी थे और उनकी माँ वनस्पति विज्ञान में वैज्ञानिक थी। उनकी शिक्षा ब्रिटेन के जॉन लेमान स्कूल में हुई थी। शिक्षा के आरंभ काल से ही उनकी रसायन विज्ञान में विशेष रुचि थी। उस समय ब्रिटेन में महिलाओं को रसायन विज्ञान पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्रियों की धारणा थी कि रसायन विज्ञान केवल पुरुषों के पढ़ने का विषय है। डोरोथी को रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उनके पिता को सूडान जाना पड़ा। सूडान में हर वक्त रसायन विज्ञान पढ़ने की सनक उनके मन में लगी रहती थी। उन्होंने इस सनक को पूरा करने के लिए सूडान छोड़ दिया और वापस इंग्लैंड आ गई। इंग्लैंड आकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कॉलेज में रसायन विज्ञान का अध्ययन किया। उनके प्रतिभा से प्रोफेसर एम एफ बुचर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सन 1929 में एक्स किरण क्रिस्टोग्राफी के एक विशेष कोर्स में दाखिला ले लिया। यह प्रथम शोध महिला थी। क्रिस्टोग्राफी का डॉक्टर जे डी बर्लिन के साथ काम करने का अवसर मिला। उन्होंने मेहनत के साथ काम किया। सन 1934 में वे लौट कर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वापस आ गए। वहाँ वे रसायन विज्ञान के शोध कार्य के पढ़ाने का कार्य करती थी। सन 1937 में उनका विवाह विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार हॉजकिन के साथ हुआ। उन्होंने क्रोफुच नाम अपने पिता के नाम से लिया था और हॉजकिन अपने पिता के नाम से। इस प्रकार उनका पूरा नाम डोरोथी क्रोफुच हॉजकिन हो गया। कुछ समय बाद यह अपने पति के साथ थाना चली गई। वहाँ उनके दो पुत्र और एक पुत्री हुई। थाना विश्वविद्यालय में यह अपना काम करती रही। इन्होंने इंसुलिन आदि पर कार्य करते हुए विटामिन बी 12 की संरचना का कार्य आरंभ किया। सन 1948 से सन 1956 तक इन्होंने बी 12 की संरचना का कार्य किया और अंत में उन्होंने इसकी संरचना का पता लगा ही लिया। इस महान सफलता के लिए उन्हें सन 1964 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये तीसरी महिला वैज्ञानिक थी। डोरोथी को नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले सन 1937 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। उन्हें और भी बहुत सी संस्थाओं से गोल्ड मेडल मिला। उन्हें महारानी एलिजाबेथ ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित भी किया। इन जैसी महिला वैज्ञानिक कम ही पैदा होती है। 29 जुलाई 1994 को इस महान महिला वैज्ञानिक का देहांत हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को चेक करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।